अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाज़िब कमर और आज मैंने वो इसका एलईडी है ये सैमसंग की, इसके मैं पोर्ट्स के बारे में बताने लगा हूँ आपको। इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू, इंस्टॉलेशन वगैरह मेरे चैनल पर वीडियो सारी रखी हुई हैं, तो इसकी मैं पोर्ट्स के बारे में दोबारा से बता दूँ। ये देखें इस तरीके से, नंबर वन पर ये यूएसबी पोर्ट दी हुई है। ये देखें दो यूएसबी पोर्ट हैं, तो आप इसमें यूएसबी लगाएं और डायरेक्ट प्लग एंड प्ले करें। दूसरे नंबर पर इसकी TF कार्ड है, वो लग सकता है, और उसके बाद ओपिटिकल है केबल, वो लग सकती है, और उसके बाद रेड वाइट का मतलब ऑडियो इन आउट और ये वीडियो इन आउटपुट, ठीक है, ये दोनों हो सकती हैं। उसके अलावा इधर से आ जाएं तो हमें सबसे पहले RJ45 यानी कि इथरनेट जिसे कहते हैं वो केबल लग सकती है यहाँ पर, और उसके बाद ये एक और केबल दी हुई है, ये है एयरफोन्स, सॉरी यानी कि हैंड फ्री लगा सकते हैं आप यहाँ पर ऑडियो सुनने के लिए। उसके अलावा आप ये VGA पोर्ट जो है, विजुअल ग्राफिक जो है वो, यानी कि इसका मतलब है, तो आप वीडियो ले सकते हैं, इसके साथ लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं आप अपना। और उसके बाद ये फिर PC ऑडियो, ठीक है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की ऑडियो ले सकते हैं आप इससे। और HDMI पोर्ट यानी कि हाई डेफिनेशन, सी इसका मुखफ़ है, आप देख लीजिएगा गूगल पर जाकर। तो आप HDMI में यानी कि आप अपने वीडियो रिकॉर्डर जो है उसकी एक पोर्ट लगाएंगे, दूसरी पोर्ट यहाँ पर लगाएंगे, तो आप लाइव जो है वीडियो इस पर ले सकते हैं। और ये अगली भी दो तीन HDMI पोर्ट हैं। उसके अलावा ये डायरेक्ट आप केबल लगाना चाहें तो डायरेक्ट केबल भी लगा सकते हैं आप। और ठीक है, ये कुछ अहम चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, वो बता दिए हैं। दूसरी तरफ आ जाएं तो यहाँ पर ये जो है ये पावर बट के बटन्स हैं, कुछ पावर इन आउट और सॉरी ये चैनल वगैरह चेंज आप कर सकते हैं। तो ये आपको मेन ज़रूरी चीज़ें बताना थी, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।